उमनाथ चंचला ट्रैक उत्तराखंड की खूबसूरत घाटियों में बसा एक बहुत शानदार और रोमांच ट्रैक में से एक है। तुंगनाथ में आपको महादेव का दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसे हम वन ऑफ द हाईएस्ट शिवा टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध ट्रैक में से एक है। ट्रैक की आसपास की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यह ट्रैक उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन चोपटा से शुरू होता है। इस ट्रैक की खास बात यह है कि आप एक बार में दो खूबसूरत हिमालय की घाटियों को देख सकते हैं, और चोपटा, तुंगनाथ, चंद्रशिला, यह तीनों ऐसे स्थान हैं जो आपको प्रकृति के सबसे करीब ले जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं द किड्स। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूँ बाबा तुंगनाथ के दर्शन कराने के लिए। अभी मैं प्रवेश द्वार पर खड़ा हूँ, यहीं से तुंगनाथ जी का ट्रैक स्टार्ट होता है, और अभी हम आए हैं 22 फरवरी को 2024 में ये ट्रैक करने के लिए। तो इस समय में आपको क्या क्या एक्सेसरीज अपने साथ ऊपर ले जानी चाहिए, आपको रास्ते में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो में इकट्ठा करके मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, और हाँ सभी को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो हर हर महादेव बोलते हुए ट्रैक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आइए, हर हर महादेव। यही जो तुंगनाथ जो ट्रैकिंग का प्रवेश द्वार है, यहीं पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, तो आप यहीं से पानी की बोतल और यहाँ पे ये सूज मिलते हैं, उस पर लगाने के लिए चैनी मिलती है, और ये डंडा और कैप, यहीं से आप सब चीज़ें लेकर जाएं, यहीं से अरेंज करके जाएं, क्योंकि आगे रास्ते में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी और इन चीज़ों की आपको आवश्यकता रास्ते में ट्रैकिंग पर जरूर पड़ेगी। तो अगर आप तुंगनाथ और चंचला ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं, तो रुकने की व्यवस्था के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर चोपटा से 10 किलोमीटर पीछे ही द बंकर हाउस के नाम से एक कैफे है, और रुकने की भी यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर आपको खाना पीना भी बहुत ही अच्छा आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आगे की तरफ अगर अपनी गाड़ी से जाते हैं तो रास्ते में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी होती है, तो गाड़ी फिसलने का खतरा होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप चोपटा से पीछे ही अपना स्टे बनाएं, और जिस दिन आपको ट्रैकिंग करनी हो, दर्शन करने के लिए जाना हो, तभी आप यहाँ से मॉर्निंग में जल्दी निकलें और ट्रैकिंग करके दर्शन करके जल्दी से वापस आएँ। आइए मैं इसको अंदर से आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। वैसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे बाहर साइड में सुबह सुबह बैठने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोनफायर वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाता है, और बैठने के लिए भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और यहाँ का जो पीछे का व्यू है वो बहुत ही अच्छा है, यहीं से आप जो चंचला ट्रैक की पीक है उसको देख सकते हैं। ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्टिंग में ही इतनी चारों तरफ स्नो पड़ी हुई है, इसका अलग ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। अभी आगे आगे क्या क्या मिलता है देखते हैं, बताते हैं आपको, और व्यू बहुत ही सुंदर है यहाँ का। जैसे ही आप तुंगनाथ ट्रैकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आगे आकर आपकी वन विभाग की तरफ से 200 रुपये की पर्ची कटेगी, और यही पर्ची आपकी देवरिया ताल पे भी काम आ जाती है। तो इस पर्ची को आप संभाल के रखें, 3 दिन तक इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं ट्रैक पर आगे की तरफ। पूरे ट्रैक पर चारों तरफ स्नो पड़ी हुई है, बर्फ जमी हुई है, और अभी सर ने बताया थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर स्नोफॉल हुई है, पूरी 1 घंटे पहले अभी। तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, और आगे आके मैं आपको दिखाता हूँ सामने, इधर देखिए सामने चोटी पर क्या मस्त प्राकृतिक दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। इधर सामने देखिए, ये आपकी कौन सी रेंज है, ये माउंटेन रेंज आपको सामने देखने के लिए पूरी मिल जाएगी, और चारों तरफ एक बार 360 दिखा दो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ पूरे ट्रैक, चारों तरफ पूरा हर हर महादेव। मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसे पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्थापित किया था।
इसके अलावा यह भी मान्यता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। कहते हैं कि यहाँ बैल के रूप में भगवान शिव के हाथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने तुंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का नाम तुंग है, जिसका मतलब हाथ, और नाथ भगवान शिव के प्रतीक के रूप में लिया गया है। कहा यह भी जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी जगह पर तपस्या की थी। इसके अलावा भगवान राम ने रावण के वध के बाद खुद को ब्राह्मण हत्या के साप से मुक्त करने के लिए उन्होंने इस जगह पर शिव जी की तपस्या की थी। आप देख सकते हैं क्या सुंदर नजारा है, और जो स्नोफॉल हो रहा है ये इसने और मनोहर दृश्य बना दिया है। बाकी सामने दादा का मंदिर हमें देख रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। करीब 2 किलोमीटर ट्रैक के हम ऊपर आ चुके हैं, और जितना हम ऊपर चलते जा रहे हैं उतनी ही यहाँ पर स्नो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऊपर देखिए मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। हमें जितनी जल्दी हम ऊपर पहुँच सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमसे पीछे कोई भी नहीं आ रहा है। और ऊपर हमें मंदिर पे पहुँचना है 4 बजे तक, क्योंकि हम उतरने में अगर लेट हो गए और मौसम बिगड़ गया तो हम यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसलिए हमें समय से ही नीचे उतरना है, और पानी ज़रूर लेकर आए, गला सूखता रहता है। और धीरे 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 ट्रैक पर ऊपर को चलते रहें। मेरा भी सांस चढ़ रहा है थोड़ा, मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पानी पी पी के चल रहा हूँ। और पानी और बिस्किट वगैरह जहाँ ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वहीं से लेके आएं। अभी यहाँ से तुंगनाथ मंदिर केवल 1 किलोमीटर रह गया है, और बाकी देख सकते हैं आप कितनी स्नोफॉल होने लगी है। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने लगी है, देखिए आप मेरे ऊपर भी आगर पड़ रही है बहुत सारी। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही मस्त। इस समय ये ट्रैकिंग हो गया है, अभी शायद आधा घंटा हमें और लग सकता है। हम रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ही समय में आपको दर्शन कराएंगे बाबा तुंगनाथ के। ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बर्फ भी बढ़ती जा रही है। मेरे साइड में आप देखेंगे लगभग 2-2, 3-3 फुट बर्फ अभी मेरे साइड में दिख रही होगी आपको, ये देखिए। तो अभी तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और स्नो जो है थोड़ी मोटी होती जा रही है। यहाँ पे जो बर्फ़ की परत है वो थोड़ी मोटी होती जा रही है। जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ पे बहुत ही कम बर्फ थी, लेकिन अभी 1 किलोमीटर ऊपर आने के बाद यहाँ पर बहुत मोटी बर्फ़ हो चुकी है। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्या सुंदर दृश्य आप पीछे का देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना स्नोफॉल हो रहा है, और इसी वजह से रिस्क ना लेते हुए हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बाकी यहाँ तक का जो ट्रैक था हमारा बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि अभी तक स्नोफॉल बहुत धीरे धीरे हो रहा था, तो हम यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ से करीब 500 मीटर आगे बाबा तुंगनाथ का मंदिर है, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं तूफान की वजह से। रिस्क लेना नहीं बनता है, क्योंकि जान है तो जहान है। बाबा दोबारा जब बुलाएंगे, जब दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सभी के साथ शेयर जरूर करें।